जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल लेके आया आपके लिए एक 5-स्टार स्टॉक जहां पे 35% की अपसाइड पोटेंशियल है नेक्स्ट 240 डेज, यानी कि 8 महीने में 35% बढ़ने का ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है। आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूं उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूं अपनी परफॉर्मेंस। सबसे पहले ऑप्शन सेगमेंट की परफॉर्मेंस और स्टॉक ऑप्शंस की परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हैं। यहां पर हमने 69,555 का प्रॉफिट बुक कराया है। एक पोजीशन हमारी ओपन है इंफोसिस की 1460 स्ट्राइक की कॉल जो ली हुई है वो ओपन है, 3-4 रुपए नीचे चल रहा है, बाकी प्रॉफिट बुक्ड है और अमेजिंग मतलब कि प्रॉफिट है। बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करे हैं, छोटे छोटे लॉस हैं। अगर आप देखें ऊपर से ONGC में 9600 का प्रॉफिट, फेडरल बैंक में 17000 का प्रॉफिट, NMDC में 17550 का प्रॉफिट, और जहां पर आप देख पा रहे हैं ना कि 0-0 कर रखा है वहां पर क्या है कि थोड़ा सा ऊपर निकले हैं बट हमने ट्रेड टू ट्रेड टाल दिया है, वहां पर हमने प्रॉफिट काउंट नहीं कराया और छोटे छोटे लॉसेज हैं। फिर आप देखें हीरो मोटरकॉर्प में 19,230 का प्रॉफिट, NMDC के अंदर 10,350 का प्रॉफिट, और लास्ट एक अच्छा प्रॉफिट बुक करा है नेशनल एल्युमिनियम में 11,250 का प्रॉफिट, और एकमात्र जो बड़ा लॉस है वो है कोल इंडिया की 30 मई की 440 की पुट में, जहां 11,655 का लॉस बुक हुआ है। सब छोटे छोटे लॉसेज हैं, एक एक्सीडेंट हुआ है टिल डेट कोल इंडिया, अब एक्सीडेंट्स तो होंगे बट नेट में देखें तो अमेजिंग प्रॉफिट बुक करा है 69,555 का, और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर देखें मात्र 3 ट्रेड लिए हैं, 6,795 का प्रॉफिट बुक्ड है। निफ्टी की 22,400 की कॉल खरीदी हुई है 251 के अराउंड, 284-285 चल रहा है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो यहाँ भी प्रॉफिट बुक करने का प्लान है। तो दोस्तों स्टॉक ऑप्शंस देखा, इंडेक्स ऑप्शंस देखा, तो स्टॉक ऑप्शंस प्लस इंडेक्स ऑप्शंस ये दोनों का प्रॉफिट हो गया 75,000 प्लस का प्रॉफिट हो गया है। ये दोनों ऑप्शन सेगमेंट का ही पार्ट है, तो अमेजिंग परफॉर्मेंस है हमारी ऑप्शन सेगमेंट की। और अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टॉक फ्यूचर्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस, 1,32,000 का प्रॉफिट बुक्ड है, एक पोजीशन ओपन है एक्सिस बैंक की मात्र, बढ़िया एकदम चल रहा है यहाँ पर। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेंटरशिप सेगमेंट की परफॉर्मेंस, जहां पर हमने मई मंथ में जो प्रॉफिट बुक करें JT EKT में 11% का, बजाज कंज्यूमर में 11% का, बाकी तो ऊपर नीचे हल्का हल्का है। और सारी हमारी पास्ट परफॉर्मेंस ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की, मेंटरशिप की हमारे वेबसाइट IIMRakeshBansal.com पर अवेलेबल है, और आप भी अगर हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट IIMRakeshBansal.com पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेंटरशिप में हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि निवेश की चीज है, यहाँ पे 3 महीने से कम का सब्सक्रिप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर हम मेंटरशिप के अंदर चार्ज भी रिवाइज कर रहे हैं, और संडे के बाद से यानी कि 20 मई से यहाँ पर चार्ज रिवाइज हो जाएंगे। क्वार्टरली प्लान होगा वो भी थोड़ा ज्यादा है और एनुअल प्लान भी ज्यादा है। तो एक बार और अगर आप भी हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट IIMRakeshBansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं, एंड पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो दोस्तों जो मेरा 5-स्टार स्टॉक है जहां मुझे लगता है 35% का अपसाइड पोटेंशियल है नेक्स्ट 240 डेज, उस कंपनी का नाम है 5-स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, NSE का सिंबल है 5-स्टार, प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए 5-स्टार बिजनेस को देखें तो ये देता है सिक्योर्ड लोन्स इन दी रेंज ऑफ 3-5 लाख के सिक्योर्ड लोन्स देता है, विद एवरेज यील्ड ऑफ 24-25% टू स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स मेनली इन स्मॉल सिटीज। कंपनी की बड़ी अच्छी प्रेजेंस है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कंपनी के पास है 520 ब्रांचेज एंड टोटल AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है 9,640 करोड़ का। कंपनी का देखें तो एकदम वेल डाइवर्सिफाइड फंडिंग प्रोफाइल है, विद सोर्स इंक्लूड बैंक टर्म लोन 66%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्म लोन 6%, NCDs 5%, सिक्योरिटाइजेशन 21% एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग 1%। और बड़ा अच्छा कंपनी का स्प्रेड है, बेसिकली क्या कंपनी बोरो कर रहा है 9% पर और लैंड कर रहा है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को स्मॉल सिटीज में एट 20-22%, विच ट्रांसलेट अ स्प्रेड ऑफ 11-13%। बेसिकली देखें तो 9% पे बोरो कर रहा है और 20-22% पे लैंड कर रहा है, तो स्प्रेड हो गया भैया 11-13% का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि बड़ी अच्छी एसेट क्वालिटी है, GNPA देखें तो less than 1.5% है,
एंड नेट एनपीए बिलो 1% है और कंपनी ने दिए गुड क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 24 नंबर्स। एनआईआईज इंक्रीज हुए 362 करोड़ से 481 करोड़, ईयर ऑन ईयर देखें तो प्लस हो गया 33%। वैल्यूएशन पे आए तो मार्केट कैप है मात्र 22,500 करोड़ की, 4.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है। प्राइस टू बुक पे देखें तो एक्सपेंसिव है, बट लास्ट 3 साल के पैट को देखें तो कंपाउंडिंग आई है 33% के सीएजीआर की। लो पब्लिक फ्लोट है, ऑल स्टॉक जो है ना इंस्टीट्यूशन के पास है। शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास है 26.51%, एफआईज के पास है 56.06%, डीआईज के पास है 6.97%, पब्लिक के पास है 10.44%। देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग तो मैंने आपके साथ शेयर करी और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो आप। दिसंबर 2022 में प्रमोटर की होल्डिंग थी 34.87%, मार्च 2024 में घटके हो गई है 26.51%, नेगेटिव है बट इंस्टीट्यूशंस आए हैं। एफआईएस की होल्डिंग दिसंबर 2022 में थी 6.54%, जो आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली बढ़ के होगी है 56.06%, और डोमेस्टिक फंड्स की होल्डिंग थी दिसंबर 2022 में 5.62%, जो बढ़ के हो गई है 6.97%, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग थी दिसंबर 2022 में 52.96%, जो घट के हो गई है 10.44%। तो दो चीजें मुझे काफी पॉजिटिव लग रही है, एफआईएस का स्टेक मैसिवली बढ़ा है, रिटेल का स्टेक मैसिवली घटा है, तो एक काफी बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है। अब मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट देखें तो एकदम ट्रेंडिंग स्टॉक है, कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम्स का रुझान है। चार्ट ये बोलता है कि भैया बाय ऑन डिप्स। तो दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी। मेरा यहां पर कन्विक्शन है कि 35% की अपसाइड नेक्स्ट 240 डेज में देखने को मिल सकती है और मेरे टारगेट्स हैं यहाँ पर 1000 के। एट द एंड दोस्तों बेल आइकन दबा के मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है तो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। जय माता दी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न।